आंसर के हम बिना फीस दिए पढ़ते हैं, तू कितना बड़ा मास्टर हो गई लो। जब तक जिंदा रहेंगे हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, जिस दिन आपका साथ छोड़ दिए समझ जाना कि ऊपर वाला ने हमें उठा लिया है। कभी भी हिम्मत नहीं हारिएगा। सबसे मजबूत इंसान कौन होता है? जिसका सपना टूट गया हो, जिसका दिल टूट गया हो, जिसके अपने छोड़ दिए हो, जिसका शरीर जवाब दे रहा हो, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा के कहे मैं ठीक हूं। आप अपने आप को कभी कमजोर होने मत दीजिएगा। आपके अंदर वो साहस है। ज्वालामुखी कई टाइप के होते हैं। हम लोग जब पढ़ाते हैं भूगोल में तो ज्वालामुखी पढ़ाया जाता है, उसमें कई टाइप के ज्वालामुखी होते हैं। उसमें एक ज्वालामुखी होता है सुसुप्त ज्वालामुखी, जो सोया हुआ रहता है। आप सब सुसुप्त ज्वालामुखी हैं, सोए हुए। एक दिन जिस दिन ये विस्फोट करेगा ना, पूरी दुनिया देखते रह जाएगी आप लोगों को। आप सब लोगों को ये जिम्मेदारी है। जिन लोगों की पढ़ने की उम्र है वो पढ़ेंगे, जो अभिभावक है अपने बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। याद रखिएगा, अगर आप एक साल में बदलाव चाहते हैं तो धान की खेती कीजिए। अगर आप चाहते हैं 10 साल में बदलाव दिखे, शीशम का पेड़ लगा दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सदियों सदियों आपका इतिहास स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाए, तो अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, क्योंकि शिक्षा उस सेवनी का दूध है जिसने पिया वो धारा है। आपकी धार पूरी दुनिया सुनेगी और आपको सुनाना है उनको अपनी धार। आप जैसे भी हैं, आप अपने आप में पूरी तरह से संपूर्ण हैं। आप कभी किसी से तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही सही हैं। क्योंकि जो कीमत ओरिजिनल की होती है वो डुप्लीकेट की कभी नहीं हो सकती है। आप ओरिजिनल हैं। कभी भी अपने आप को दूसरों से कम मत आकिएगा। आप में अंदर वो सहने की क्षमता है जो हम लोगों में नहीं है, इसीलिए भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। रेस में एक जब घोड़े को उसका मालिक जो उस घोड़सवार के पीठ पर बैठा रहता है उसको बहुत मारता है, बहुत तकलीफ देता है, उस घोड़े को नहीं समझ में आता है कि हमें मार क्यों रहा है, लेकिन हकीकत में वह उस घोड़े को जिताना चाहता है। तो भगवान भी जब आपको तकलीफ देना तो समझ जाइएगा कि आपका मालिक आपको जिताना चाह रहा है। और हिम्मत नहीं हारिएगा, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी पूरा ताला खोल देती है। कभी हिम्मत नहीं हारना है आप सब लोगों को। आप लोगों अभी आप लोग की बातों को नहीं सुन रहा होगा, बहुत सारी समस्याओं को आप लोग सामना करते होंगे। उन सभी लोगों से कहिएगा, अभी आप कांच हैं इसलिए चुभ रहे हैं, जिस दिन आईना बनेंगे पूरी दुनिया देखेगी आपको। और आप सब लोग का बनना है आईना, हमेशा हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। अपने बच्चों को कभी भी पढ़ने से पीछे मत खींचिएगा। लोगों के अंदर एक भावना बैठ गई है कि दिव्यांग कुछ नहीं कर सकते। अरे एक बार मौका तो देके देखो इनको, पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा भारत के लिए मेडल किसने लाया? दिव्यांगों ने लाया। आप इसको करके दिखाएंगे, ये आपका अधिकार है और इसे छीन लीजिए। दुनिया में अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला है, इसे छीनना पड़ता है। चाहे आजादी हो या अधिकार, उसे छीनना पड़ेगा। आप उसे छीनिए, हम आपके साथ खड़े हैं यहाँ पर। आप सब लोग कभी भी निराश नहीं होइएगा, हमेशा इस ऐसे प्रोग्राम में ऐसे जगहों पे जाते रहेंगे, अपने बच्चों को भेजते रहेंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए आप मिसाल बन के उभरिए, ताकि दुनिया देखे कि जिससे ऊपर वाले ने अन्याय किया उसने साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। आप किसी से कम नहीं है, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। आप कभी भी किसी से कम नहीं है। दिव्यांग लोगों के साथ समस्या ये हो जाती है कि लोग उनसे जुड़ना नहीं चाहते हैं, समाज उससे कटा हुआ रहता है, इसलिए उनके अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है कि हम असहाय हैं। वो बेचारे लोग उनसे प्यार से नहीं बोल पाते हैं। तो आप लोग समाज के मुख्य धारा में जुड़िए। अपनी आप लोगों को अपनी भाषा के थ्रू, अपनी समझदारी से उन लोगों को अपनी समस्याओं को समझाना है। भाषा का ज्ञान जिसको हो गया कि बोलना कैसे, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। देखिए, हम 3 साल में सीख जाते हैं कि बोलना कैसे है, लेकिन जीवन भर लगा देते हैं ये सीखने में कि बोलना क्या है। याद रखिएगा, आपके अंदर ये आनी चाहिए। बेचारा हमारे पास जो दिव्यांग आते हैं पढ़ने के लिए, मेरा क्लास 5 तल्ला पर चढ़ता है और दिव्यांग लोग सीढ़ी लेकर उस 5 तल्ला पे चढ़ जाते हैं और हमसे पहले चढ़ जाते हैं। लोग कैसे कह दिए कि वो दिव्यांग है? दिव्यांग के कहने वालों को कहते हैं कि जिन्हें लगता है कि दिव्यांग कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनकी आंखों में चुभते हैं उन्हें अपना नेत्र दान कर देना चाहिए, अगर वो आपकी कामयाबी नहीं देख सकते हैं। आपके अंदर वो साहस है, आप उसे कर सकते हैं। पहचानिए अपने अंदर की ताकत। बजरंगबली को भी नहीं पता था, लेकिन एक जामवंत ने बताया था कि नहीं बताया था? उसके बाद लंका लगा दिए थे कि नहीं लगा दिए थे?
याद रखिए, आप लोगों को भी अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा और अपनी बातों को किस तरह से रखना है, आराम से रखना है। देखिए, समाज में जब बारिश होती है तो हम सब बारिश नहीं रोक सकते हैं, हम छाता लगाते हैं, बारिश तो नहीं रुक सकता। तो समाज अगर आप लोगों को स्वीकार नहीं कर रहा है तो अपनी बातों को सहजता से उन्हें पहुंचाइए कि हाँ, हमारे साथ अन्याय हुआ है, अगर आप भी हमारा साथ नहीं देंगे तो हम मोहताज नहीं हैं, पढ़ लिख कर हम छीन लेंगे रोटी कपड़ा मकान, लेकिन हमको शिक्षा हर हाल में चाहिए और शिक्षा से कभी वंचित नहीं रहिएगा आप लोग। हाँ, थोड़ा सा हम ये जरूर कहेंगे कि अपनी बातों को किस तरह से रखना है, इसको थोड़ा सा समझदारी से कि कैसे प्रभावी ढंग से रखा जा सकता है। लफ्जों की हिफाजत, हमारी जुबान की हिफाजत अपने धन दौलत से ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जीभ ही एक ऐसी जगह है जहां पर अमृत और जहर दोनों रहता है। यही इसलिए इस व्यक्ति को हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। और शिक्षा में हर जगह पे, अपने जहाँ पे भी लोग जुड़े हैं, गांव में भी, अगर समाज आपको एक मुख्य धारा में नहीं जुड़ रहा है, अपना ग्रुप बना के पढ़ाई कीजिए। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो उतना पैसे नहीं थे हम लोग के पास, तो सैटरडे संडे के दिन जिनके पास किताबें रहती थी उनसे किताब लेके आते थे और चार पांच दोस्त मिलके एक एक चैप्टर को लिख देते थे। दो दिन में वो किताब को अपने से एक एक चैप्टर, कोई वो लिख दिया, कोई ये लिख दिया, लिख के कंप्लीट कर लेते थे। तो अभी आप लोग भी उस तरह से ग्रुप बना के पढ़िए, जहाँ कहीं पर भी हैं आप सब लोगों को पढ़ना है। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अपने बाल बच्चों को हम पढ़ाएंगे, यहाँ पर सारे लड़कों को उठाना है, जो आपको पढ़ने से रोके उसको कहना है जब खान सर नहीं रोकते हैं तो आप कहाँ के टीचर हैं जो आप रोक देंगे, आपका अधिकार है, आप उसको छीन लीजिए। यहाँ पर अंग्रेज भी हमें आज़ादी नहीं दे रहे थे सब, लेकिन क्या हम लोग मांगे, छीन लीजिए। वहाँ पर आपका भी अधिकार है, आप अपने अधिकार को छीन लीजिए यहाँ पर। और समाज के हिसाब से बहुत समाज की परवाह मत कीजिएगा, ये समाज ऐसा है कि जो गाँव के छोटे डॉक्टर होते हैं उनको समाज झोला छाप कहता है। अरे इन समाज के लोगों को कहते हैं कि जिन्हें आप झोला छाप डॉक्टर कहते हैं ना, भारत के 80% मरीजों का इलाज वही करते हैं। ये अमीरों के लिए बने हैं, जो पास जो बड़े बड़े अट्टालिकाओं में जो डॉक्टर बैठे रहते हैं। तो जब समाज उन लोगों को नहीं छोड़ा तो आपको क्या छोड़ेगा। लेकिन समाज की परवाह नहीं करना है, समाज क्या सोचेगी ये भी अगर हम ही लोग सोचने लगे तो फिर समाज क्या सोचेगा, है कि नहीं। हम सोचने दीजिए, तुम जो सोचना है तुम सोचते रहो, हमें जो करना है हम करके दिखाएंगे। देखिए, हमेशा जिंदगी एक रेस है, रेस चाहे घोड़े की हो, रेस चाहे गाड़ी की हो, चाहे रेस जिंदगी की हो, जीतेगा वही जो समय समय पर अपना गियर बदलते रहता है। तो गियर बदलते रहिएगा, जहां जरूरत एक नंबर का एक नंबर, और प्रेम से ना मांगे तो टॉप गियर लगा के राउंड देंगे, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर रास्ते में गड्ढा आए तो छलांग लगाना सीखिए, छलांग लगाना सीखिए उसको, लेकिन कभी भी मंजिल से पीछे मत हटिए। यहाँ पर कभी भी किसी चीज को, जो विद्यार्थी है उन सबको यही कहना चाहेंगे कि किसी चीज को कल के लिए मत टालिए। जिसने कहा कल, दिन गया कल, जिसने कहा परसों, बीत गए परसों, जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। आज से आप सब लोगों को आगे बढ़ते रहना है। और शिक्षा, कभी गरीबी वगैरह आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। जब हम पटना आए थे तो हमारे पास बहुत सारा विडम्बनाएं हुई, मेरे साथ भी कई लोगों ने छल कपट भी किया यहाँ पर, तो मेरे पास केवल 40 रुपए बचे थे। तो जब 40 रुपए लेकर खान सर बन सकते हैं तो आप में से भी कोई बैठा है जो नेक्स्ट खान सर बनेगा यहाँ पर, अपना हिम्मत कभी नहीं हारते रहना है। हम एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि हम आप लोगों से एक पहली बार ये बात हम सबके सामने रखने जा रहे हैं। हमारी दिली इच्छा है, हमारी हार्दिक इच्छा है कि चंद्रमा पर पांव अगर किसी दिव्यांग का पड़े तो वह भारत से गया हो दिव्यांग। क्या आप अपने, क्या यह मेरा सपना पूरा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल पूरा होगा। पूरी दुनिया देखेगी कि अगर चंद्रमा पर पहला दिव्यांग का पांव पड़ा तो कहां से गया था, भारत से। इसलिए आप लोग को हमेशा निरंतर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। कभी भी याद रखेंगे, किसी के सामने बहुत ज्यादा हाथ भी फैलाने की जरूरत नहीं है। किसी को इतना भाव मत दो कि आपको रद्दी का भाव समझने लगे। आप में किसी की कमी है, अधिकार छीनना पड़ेगा। और हम यहाँ जरूर सरकार से भी एक बात मांग करना चाहेंगे कि अब तक महिला आयोग है,
SC ST आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, दिव्यांग आयोग कब बनेगा? दिव्यांग अपनी बात कहां करेंगे? किसके पास कहेंगे? दिव्यांग आयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दिव्यांगों में क्या कमी है? जब वो पैरा ओलंपिक में ओलंपिक से ज्यादा मेडल ला सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी दिव्यांग आयोग होना चाहिए। हम यहाँ जरूर एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, संविधान में लिखा गया है कि अनुच्छेद 331 में और अनुच्छेद 333 में, 331 में लिखा गया है कि संसद में कम से कम 2 एंग्लो इंडियन रहेंगे और 333 में लिखा गया है कि विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन रहेंगे। एंग्लो इंडियन जानते हैं किसे कहा जाता है? जब देश गुलाम था तो उनके जो बाल बच्चे हुए अंग्रेजों के, यूरोपियों के, जब अंग्रेज चले गए तो उनके अधिकार के लिए लोकसभा में 2 सीटें हैं और विधानसभा में 1 सीटें हैं। अब वो सीट खत्म की जा रही है, लेकिन वो सीट आप बताइए कि वो दिव्यांगों को दिया जाना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसके लिए आवाज आपको उठाना पड़ेगा। जब तक आप आवाज वहां जाके नहीं उठाएंगे कोई नहीं सुनने वाला है। हम लोग आवाज उठाए तो 12-12 को FIR ठोक दिया लड़कों पे आवाज उठाने के लिए, लेकिन उनको क्या पता है कि जो FIR कर रहे लोग कि वो लोग आग को, सोना को आग से डरा रहे हैं कि तुमको जला देंगे। अरे कौन सी जलेगा? सोना को तुम आग से जलाएगा? जलेगा कभी? तो आप लोग को भी ये अधिकार होना चाहिए। आग है, आप ज्वालामुखी है, अपने आप को पहचानिए। ये आपका मांग है, ये हम भी कहना चाहिए। चूंकि समय का अभाव है इसलिए हम सब समझते हैं कि थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन हम आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। जल रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी ये गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार कागज की तरह हिलने लगी है, शर्त ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली में, हर सड़क पर, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आप सब अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को आज विराम देते हैं। हमारा सौभाग्य रहा जो हम आपके साथ आए। हम आप सबको कहते हैं कि जिस बच्चे को पढ़ना होगा आप भेजिएगा खान सर के पास, उसको हम पढ़ाएंगे। और जो नहीं पढ़ाने दे आप लोग को, बोलिएगा हम आके लड़ेंगे उसके लिए। कैसे नहीं पढ़ेगा आपका? जन्म सिद्ध अधिकार है और आप इसे छीन के लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं।